हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी लर्नोपीडिया। कैसे आप सब, मैं आपके लिए लेकर आया हूं आज के यानी 10 नवंबर के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो जाकर जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को भी अंत तक देखिए ताकि आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिले और आपके एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन और भी बेहतर तरीके से होती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली न्यूज़ से। आज की पहली न्यूज़ जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो है इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी। सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि इस साल यानी अगले ही महीने से जो है इंडिया G20 की प्रेसिडेंसी जो है वो अपने पास रख ले रहा है। अभी तक कौन है, इंडोनेशिया है, उनका जो है टर्म खत्म हो रहा है और इंडिया जो बन रहा है प्रेसिडेंट बन रहा है G20 का। तो इसलिए उन्होंने एक वेबसाइट जो है वो लॉन्च करी है, साथ साथ एक लोगो लॉन्च किया है और थीम को भी अनवील किया है कि हमारा G20 का थीम क्या होगा, मकसद क्या होगा और लोगो क्या होगा। ठीक है, तो लोगों के बारे में आपको बताऊं, उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि लोगो बनाया है ये G20, जहां पर यहां पर एक कमल का फूल है, उसके ऊपर जो है हमारा अर्थ प्लैनेट है। तो यहां पर भी वही लिखा हुआ है कि प्लैनेट को पर्च किया है किसके ऊपर, लोटस के ऊपर, और कलर यहां पर नेशनल कलर्स आपके जो है 4 कलर्स नेशनल फ्लैग के वो लगाए गए हैं। देखिए ऑरेंज, ग्रीन और ब्लू और व्हाइट, ये 4 कलर आपके इंडियन फ्लैग के कलर्स है। उसके बाद कह रहा है कि लोगो ऑफ 7 पेटल्स जो है ये किस चीज को डिनोट करता है, 7 सीज को डिनोट करता है, 7 सी जो है उसको ये डिनोट करता है, क्या ये 7 पेटल्स, 1 2 3 4 5 6 7, ये जो 7 पेटल्स है 7 कॉन्टिनेंट्स को और 7 जो है आपके सीज को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद थीम देखिएगा इस साल की क्या है, हमने जो रखी है वो है वासुदेव कुटुंबकम, 7 में रखा है, 1 अर्थ 1 फैमिली एंड 1 फ्यूचर। थीम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, यहां पे मैं स्टार बना देता हूं। चलिए G20 में देखिए कौन कौन सी 20 कंट्रीज आती है, तो अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कैनेडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, साउथ कोरिया, जापान, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम्स, यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन। आपको सारी पता होनी चाहिए, एक बार आप रीड कर लेंगे ना तो भी काम बन जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ पता होना चाहिए कि G20 का फॉर्मेशन कब हुआ है, 1999 में हुआ है, 26 सितंबर 1999। और अगर आपको पूछे बताइए हेडक्वार्टर्स या सेक्रेटरिएट किसके पास होता है G20 का, तो वो उसी कंट्री के पास होता है जिसके पास उसकी प्रेसिडेंसी है। उसका कोई स्पेसिफिक हेडक्वार्टर्स नहीं है, जैसे आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का होता है या फिर ओपेक का आपका एक हेडक्वार्टर्स है, वैसे हेडक्वार्टर्स इनके कोई स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, और इनका जो चेयरमैन रहता है G20 का जो चेयरमैन रहता है वो उसी देश का जो टॉप का हेड पर्सन है वही रहेगा। जैसे अभी इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट है और हमारे बनने के बाद हमारे प्रेसिडेंट जो है उसकी यहाँ के चेयरपर्सन बन जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, रशिया जो है वो बन गया है, रशिया बिकम्स इंडिया टॉप ऑयल सप्लायर इन अक्टूबर 2022 में रशिया जो है हमारा टॉप जो सप्लायर है किस चीज़ का, ऑयल का, वो बन गया है। यहाँ पर देखिए लिखा है डेटा जो है वो किसने किया है, किसने रिलीज किया है ये डेटा, क्या है, वोर्टेक्सा एक रशियन कंपनी है जो एनर्जी में डील करती है, कार्गो ट्रैकर्स में डील करती है। ठीक है, तो उन्होंने ये रिलीज किया है कि रशिया ने जो है अक्टूबर में किसको छोड़ दिया है, सऊदी अरेबिया और इराक को पीछे छोड़कर क्या बन गया है, फर्स्ट नंबर का ऑयल सप्लायर बन गया है इंडिया का, जिसमें से 22% ऑयल क्रूड जो है इंडिया का कहां से आ रहा है, रशिया से आ रहा है, जबकि इराक से हम लोग 20% के आसपास ले रहे हैं और सऊदी अरेबिया से अब हम 16% के आसपास ले रहे हैं। ठीक है, उसके बाद एक चीज ध्यान रखेंगे, इसी साल जुलाई में जो है इंडिया रशिया जो है वो सेकेंड बना था, देखिए कितने जल्दी फर्स्ट बन गया है, रशिया के साथ हम लोग काम बहुत सारा कर रहे हैं। और यहां पर देखिए इंडिया जो है कितना क्रूड ऑयल ले रहा है, वो है 935,556 बैरल्स पर डे। ठीक है, बैरल्स पर डे है वो क्रूड ऑयल इतना ले रहा है। ठीक है, रशिया के जो है ये प्रेसिडेंट यहाँ पर लिखा है कौन है, पुतिन है, प्राइम मिनिस्टर जो है उनका नाम है मिखाइल मिशुस्तिन, कैपिटल जो होता है वो है मॉस्को और करेंसी यहाँ पे यूज होती है वो है रूबल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, द वर्ल्ड्स फर्स्ट वैदिक क्लॉक, वैदिक क्लॉक जो है वर्ल्ड की पहली वैदिक क्लॉक, ये कहां पर इंस्टॉल करने जा रहे हैं हम लोग, उज्जैन में करने जा रहे हैं। और देखिए वर्ल्ड की पहली है, इंडिया की पहली नहीं है, वर्ल्ड की पहली है, तो कितना इंपॉर्टेंट ये हो जाएगा यहां पर। ठीक है, तो ये कहां पर हो रहा है, ये जो है इसको लॉन्च किया गया है कहां पर, जिवाजी ऑब्जर्वेटरी, यहां पर ये बनाया जा रहा है जिवाजी ऑब्जर्वेटरी। जिवाजी ऑब्जर्वेटरी वही ऑब्जर्वेटरी है जिसको महाराजा सवाई राजा सिंह, राजा जय सिंह ऑफ जयपुर इन्होंने बनाया था। ये जो सवाई राजा जय सिंह है इन्होंने जयपुर की भी स्थापना करी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। कॉस्ट देखिए इसकी कितनी रहेगी, 1.62 करोड़ के आसपास ये क्लॉक बनाने की कॉस्ट है। और ये क्लॉक जो है ये 24 घंटे 24 मुहूर्त के हिसाब से चलती है,
ठीक है, यहां पर आपके अलग अलग मुहूर्त में ये डिवाइड हुई होगी क्योंकि वैदिक कल्चर की है। ठीक है, उसके बाद यहां पर पोजीशन आपको सन की जो है पोजीशन उससे ये सिंक होगी और यहां पे सनराइज और सनसेट के टाइमिंग्स भी आपको पता चलेंगे। ये देखिए इस तरीके की कुछ ये क्लॉक दिखेगी जहां पर यहां पर आदित्य, ब्रह्मा, अश्विनी ऐसे आपको बहुत सारी चीजें दिख रही है। ये हमारी वैदिक कल्चर से रिलेटेड है, पुराने जमाने में हम लोग यही चीज यूज करते थे। तो वर्ल्ड में सबसे पहली कहां बन रही है, उज्जैन में बन रही है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। राजस्थान गवर्नमेंट लॉन्चेस हैंडीक्राफ्ट पॉलिसी। हैंडीक्राफ्ट पॉलिसी लॉन्च किया है उन्होंने कि हम लोग का जो पुराना आर्ट है, जो हैंड से हम लोग आर्ट करते हैं, चाहे एम्ब्रॉयडरी हो गया हो, कड़ी का वर्क हो गया हो, ठीक है, जरी का वर्क हो गया हो, ये सारी वर्क जो हम लोग करते हैं या फिर हाथ से आप कुछ बना रहे हैं, तो ये जो सारी चीजें हैं इसको रिवाइव करने के लिए और हमारे हैंडीक्राफ्ट को क्या करने के लिए, बूस्ट करने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं। राजस्थान गवर्नमेंट ने कहा है कि हम एक पॉलिसी लेकर आ रहे हैं, हैंडीक्राफ्ट पॉलिसी, जहां पर हैंडीक्राफ्ट के लिए हम अलग अलग जो है पॉलिसीज लाएंगे, अलग अलग फीचर्स उनको देंगे, प्रोवाइड करेंगे और इससे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट हम लोग बूस्ट करेंगे किस चीज़ में, कल्चरल हेरिटेज में। दूसरा हमारा और क्या क्या मोटो है कि हम लोग हैंडीक्राफ्ट को तो ऊपर लेकर आए, अपलिफ्ट करें, साथ साथ ट्रेडिशनल और एथनिक जो आर्ट्स है हमारे उसको लोगों तक पहुँचाए, लोगों को पता चले कि क्या होता है। ठीक है, उसके साथ साथ नए नए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी हम यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। अगर नए कुछ हैंडीक्राफ्ट्स के फैक्ट्रीज बनती है तो आपको क्या मिलेगा, रोजगार जरूर मिलेगा यहाँ पर। और इनका जो है एक्सपेक्टेशन है, एम क्या दिख रहा है कि हम लोग अगले 5 साल में 50,000 नए जॉब क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे हैंडीक्राफ्ट के अंदर में। ठीक है, और एक चीज ये देखिए 2020-21 का एक डेटा कहता है कि राजस्थान से जो है 6205 करोड़ के आसपास का हैंडीक्राफ्ट जो है वो एक्सपोर्ट किया गया है, मतलब बाहर के देशों में कितना जो है आपका डिमांड है हैंडीक्राफ्ट का, हैंडमेड चीज़ों का, तो ये आप समझ लीजिए 6,200 करोड़ के आसपास का राजस्थान से एक्सपोर्ट हमने 2020-21 में किया है और इसीलिए उसको वहाँ पे रिवाइव करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, राजस्थान के गवर्नर का नाम है कालराज मिश्रा, चीफ मिनिस्टर यहाँ पर है अशोक गहलोत और कैपिटल यहाँ का है जयपुर। चलिए नेक्स्ट इस पर चलते हैं। सेंटर ने अपॉइंट कर दिया है श्री चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी को एज अ चेयरपर्सन ऑफ द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया जो है इसका नया चेयरपर्सन किसको बना दिया गया है, ऋतुराज अवस्थी साहब को। नाम याद रखेंगे, ऋतुराज अवस्थी। तो देखिए ये 22nd लॉ कमीशन है, सबसे पहले तो ये याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें 5 मेंबर होंगे, मतलब 6 मेंबर टोटल होंगे, एक आपके चेयरपर्सन प्लस 5 मेंबर। तो अगले और 5 मेंबर जो है वो कौन है, यहाँ पर नीचे लिखा है केटी शंकरन, आनंद पालीवाल, डीपी वर्मा, रका आर्या और करुणा निधि, एम करुणा निधि। ये 5 लोग के साथ ऋतुराज अवस्थी क्या बनेंगे, चेयरपर्सन बनेंगे और ये लोग काम करेंगे लॉ कमीशन ऑफ इंडिया में। ठीक है, 21st लॉ कमीशन जो है वो 2018 में खत्म हुई थी और 22वीं लॉ कमीशन, मतलब जिसके अभी नए चेयरपर्सन ऋतुराज को बना दिया गया है, वो 2020 में नई एस्टैब्लिश की गई थी, फरवरी 2020 में। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया जो होता है वो एग्जीक्यूटिव बॉडी है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब एस्टैब्लिश करना चाहे, जब उसको इस चीज की जरूरत महसूस हो वो एस्टैब्लिश कर सकता है। उसका एक फिक्स टेन्योर होगा और उसका काम क्या होगा, वो एडवाइस करेगा किस चीज को, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस की एडवाइजरी बॉडी होगा लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। और पहला फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिया कब एस्टैब्लिश किया गया था, 1955 में, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज है आपकी। 9 से 15 तारीख तक के नवंबर में हम लोग क्या मना रहे हैं, इंटरनेशनल वीक ऑफ साइंस एंड पीस। इंटरनेशनल वीक ऑफ साइंस एंड पीस हम किस दिन, कब तक मना रहे हैं, 9 से 15 नवंबर तक। ये एक इनिशिएटिव है यूनाइटेड नेशन का किस चीज के लिए, एनकरेज करने के लिए और प्रमोट करने के लिए पीस अराउंड द वर्ल्ड, और साथ साथ में जो है साइंस को भी वो लोग प्रमोट करना चाहते हैं। वो देखते हैं कि पीपल को हम लोग इंस्पायर करें कि हम लोग पीस और साइंस को कैसे साथ साथ लेकर चलते हैं। मतलब अगर आप साइंस डेवलप करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वॉर करने की ज़रूरत है, या फिर दोनों वाइस वर्सा नहीं चलना चाहिए, दोनों साथ साथ चलना चाहिए, है ना, दोनों बिल्कुल एक साथ कैसे चलेंगे, हम लोग साइंस और पीस को कैसे कंट्रोल में करके चल सकते हैं जिस वजह से हम लोगों को एक अच्छी जिंदगी मिल पाए, ये यहाँ पर इनका मेन मोटो होता है। 1986 में इसको पहली बार बनाया गया था, क्योंकि आप ये भी याद रख सकते हैं कि 1986 ही क्या है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस, इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस। और इसका जब सेलिब्रेशन हम लोग कर रहे थे, इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस हम लोग मना रहे थे, उसी साल जो है यूनाइटेड नेशन ने कहा कि हम 9 से 15 नवंबर हर साल क्या मनाएंगे, इंटरनेशनल वीक ऑफ साइंस एंड पीस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट।
चलिए शॉर्ट शॉर्ट न्यूज पे आ जाते हैं जल्दी से कि वर्ल्ड साइंस डे ऑफ फॉर पीस एंड डेवलपमेंट ये कब मनाते हैं, 10 नवंबर को मनाते हैं। उसके बाद ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी बीईई और सिडबी ने जो है कोलैबोरेशन किया है, एक साथ एमओयू साइन किया है, किस चीज के लिए, जो भी एनर्जी एफिशिएंसी में डील करने वाले एमएसएमई है उनको क्या करेंगे हम लोग, जो प्रमोट करेंगे उनको जो है हम लोग पैसा देंगे, उनसे ग्रांट्स देंगे, जो भी चीजें हमसे बन पाएगी। कौन कौन करेगा, एनर्जी एफिशिएंसी ब्यूरो और साथ साथ सिडबी, ये दोनों मिलके ऐसे एमएसएमई को मेनली ये लोग टारगेट करेंगे जो एनर्जी एफिशिएंसी में डील करता है। उसके बाद यूएई बेस्ड एमिरेट्स एनडीबी यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये जो है इन्होंने जो है 100 मिलियन यूएस डॉलर एक्स्ट्रा जो है इंडिया में बनाए हैं और इन्होंने कहा है कि इंडिया जो है, इंडिया में हम लोग दो अपनी नई ब्रांचेस चालू कर रहे हैं, दो ब्रांचेस, एक हम चालू कर रहे हैं चेन्नई में और दूसरी हम लोग चालू कर रहे हैं गुड़गांव में। तो चेन्नई और गुड़गांव में हम लोग ये ब्रांचेस चालू करने वाले हैं और इस वजह से हमको यहाँ पर 100 मिलियन यूएस डॉलर का खर्चा आएगा और हम उसमें एडिशनली इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। ठीक है, एक न्यूज़ ध्यान से आप देखिएगा, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा योजना, मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा योजना ये किसने चालू किया है, कौन सा जो है स्टेट उसने चालू किया है, वो है आपका आंध्र प्रदेश। इन्होंने यहाँ पर बस फैसिलिटीज वगैरह चालू करी है ताकि आप तिरुपति जो है ना, जो एक धार्मिक स्थल है जहाँ पर बहुत सारे भक्तों की भीड़ जो है वो लगी होती है, वहाँ पर पहुँचने के लिए आपको आसानी हो, तो देव दर्शन जो है वो आसानी से हो जाए। तो मुख्यमंत्री देव दर्शन योजना, सीधा सीधा भी पूछ सकते हैं कौन से पिलग्रिम साइट से रिलेटेड है, तो ये है तिरुपति बालाजी से रिलेटेड। नेक्स्ट, नई किताबें लिखी गई है, नई किताबें बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक किताब है निर्मला जेम्स ने एक किताब लिखी है जिनका नाम है, किताब किसके ऊपर है, ई के एडवलाथ काकत जानकी अमाल। देखिए एक चीज मैं बता दूं आपको, ई के जानकी अमाल जो है ना, ये इंडिया के साइंस में इन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया है। इनको कहा जाता है कि ये फर्स्ट ऐसी वुमेन है या फर्स्ट लेडी है जिन्होंने बॉटनी में काम किया है, या फिर इंडिया की पहली बॉटनिस्ट जिनको कहा जाता है, पहली लेडी बॉटनिस्ट वो कौन है, यही है जानकी अमाल। और इनकी लाइफ के ऊपर जो है किताब किसने लिखी है, निर्मला जेम्स ने ये किताब लिखी है। तो आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि ई के जानकी अमाल कौन है, तो हो सकता है कि आपको क्वेश्चन में ये पूछ ले क्योंकि न्यूज में तो है, ठीक है, तो आपको पता नहीं क्या पूछ ले। उसके बाद शेन वॉटसन, ये साउथ अफ्रीका कर रहा था मैं, ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर रह चुके हैं और इन्होंने एक नई किताब लिखी है जिसका नाम है विनिंग द इनर बैटल, अपने अंदर की जो जंग है उसको आप पहले जीतिए तो आप जो है बाहर की जंग भी जीत सकते हैं। तो विनिंग द इनर बैटल इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। उसके बाद जो है आपका पैरा बैडमिंटन का वर्ल्ड चैंपियनशिप हुआ है, कहां पर हुआ है, टोक्यो में हुआ है, जिसमें प्रमोद भगत साहब और मनीषा रामदास ने अपने अपने रिस्पेक्टिव इसमें क्या जीते हैं, गोल्ड मेडल जीते हैं। प्रमोद भगत ने मेल में, मनीषा रामदास ने फीमेल में। कहां पर हुआ है, टोक्यो में हुआ है पैरा बैडमिंटन का वर्ल्ड चैंपियनशिप, तो ये याद रखेंगे आप। नेक्स्ट, शिव नारायण चंद्रपॉल, ये वेस्ट इंडीज से बिलोंग करते हैं। शेवरलेट एडवर्ड्स, ये जो है इंग्लैंड वुमेन क्रिकेट टीम से बिलोंग करती है, इंग्लैंड वुमेन। और अब्दुल कादिर, ये जो है वो पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं और इनको आईसीसी हॉल ऑफ फेम का 107, 108 और 109वां मेंबर बना दिया गया है। ठीक है, तो 109 मेंबर अब आईसीसी हॉल ऑफ फेम में हो चुका है। ठीक है, इंडियंस जो आईसीसी हॉल ऑफ फेम में है वो मैं आप यहां पे मैंने आपके लिए लिख दिया है ताकि क्वेश्चन अगर बने तो हमसे छूटे ना। कपिल देव साहब जो है वो 2009 में बने हैं, गावस्कर भी 2009 में बने हैं और बिशन सिंह बेदी भी 2009 में बने हैं क्योंकि ये फाउंडिंग मेंबर्स में से एक है। उसके बाद अनिल कुंबले को जो है वो 2015 में जोड़ा गया है, राहुल द्रविड़ साहब को जो है वो 2018 में जोड़ा गया है, सचिन तेंदुलकर को जो है 2019 में जोड़ा गया है और लास्ट रीसेंट विनो माकन को किस दिन 2021 में जो है हमने किस चीज में जोड़ा है, आईसीसी हॉल ऑफ द फेम में। तो इंडिया के कितने लोग हैं, 7 लोग अभी प्रेजेंट आईसीसी हॉल ऑफ फेम में है, जबकि टोटल कितने हो गए हैं, 109 लोग। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। तब तक करंट अफेयर्स को रिवाइज करते रहिए, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और हमें कॉमेंट करके बताइए कि कैसा लग रहा है आपको ये वीडियो। थैंक यू सो मच।